नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अभास। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। अपने बाबूजी के दे दिया। हाँ माई। बाबूजी टिफिन। हाँ बेटा, लावा। टाइम पे खा ली। हाँ। सुनी जी, सांझे के रघुआ जल्दी आ जाए, छठ पूजा के तैयारी करे के पा। हाँ। रघुआ के तो छठ के दिन भी छुट्टी ना मिलेला। और पहले आ जाए, तू टेंशन मत ला। मलिकार लोग के ढेर आशीर्वाद बा, आखिर 30 साल सेवा देले वाली। बुझलू? संभाल के जाइए बाबूजी। अरे सवेरे सवेरे तू कहाँ से आवता रहा? अरे वो रवि कहाँ गिर रही है, किताब लेके खाती, नोट्स बनावे के बाना एग्जाम खाते। अच्छा अच्छा ठीक बा, तू भी कुछ खा ला, छठी मैया की पूजा की तैयारी करे के बा। चल। ढक्कन आराम से खोली, टूट जाए ना तो अपने के पैसा भरा के पड़ी। तो ला, तो ही खोल ला। देखा अलकतरा और रेती तो आ गई बा। हाँ सर। और मजदूरों आ गई बा ने। अब देखा काम जल्दी शुरू करे के बा। जी ठीक है ना। और शाम का ट्रक आई गिट्टी लेके। साहब तो हूँ। ये पूरा काम तो हो गई, 1 महीना के काम बाकी रह गई बा। 3 दिन पहले कहले रहली, एक छोट से हिसाब किताब ना बना पोला और छठ के छुट्टी चाहिए तो के। ओ मालिक, ऑडिट के हिसाब किताब के पेपर में थोड़ा टाइम लग गई, हम अभी कर देता नहीं मालिक। बहाना बाजी छोड़ा, काम करा, काम काम चोरी की आदत छोड़ दा। काम चोर नहीं खे बानी मालिक, काम चोर ना है हम। 30 साल देले बानी ई कंपनी के, 30 साल तक अपन खून पसीना बहोले बानी मालिक ई कंपनी के वास्ते। तो कौनो ऐसा ना कहले बाड़ा, खून पसीना बहोले बाड़ा तो पाई पाई के हिसाब लेले बाड़ा, फ्री में ना कहले बाड़ा। जा पहले काम करा, फिर घरे जाइया। तैयारी हो गई बा। अरे लक्ष्मी कहाँ रह गए? माई
अरे लक्ष्मी तू तैयार पड़ो। छठ मैया की पूजा के दिन तो हम सबरे से तैयार रहे नी बनारस वाली चाची। अच्छा ये बतावा कौन गीत याद कैले बड़ू के ना, काहे से कि तोरा गीत के बिना नू छठी मैया की पूजा अधूरा रहेला। छठी मैया गीत के बोल से ना भक्त के भाव से खुश होली छपरा वाली चाची। बोलो छठी मैया की जय। चलो हो बढ़िया से बात कर बेटा, हो गई मैं सब। चल चली मैं। अरे जल्दी करा लॉगिन, आ गई नी बाबूजी, अरे के टाइम निकल जा रहा बा। कावर चाहिए तो के वरना मैया हमके बस आप अपन आशीर्वाद दे दी। आपके आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बनल रहे बस। अरे लक्ष्मी ये तो का बड़ा तारू हो केकरा से बतिया उतारू। अरे भौजी सामने छठी मैया खड़ा बानी हाथ जोड़ी हाथ। छठी मैया छठी मैया के आराम करेगा घर चला चला।
चला लक्ष्मी, चला चला। जय सेठी मैया। अरे बिटिया, तहां नाम का है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, बहुत अच्छा गावेलू। लागेला की तोरा गला में साक्षात सरस्वती माता का वास हो। बस छठी मैया के आशीर्वाद बा। काहे ना। ए बेटा, हमारे गो म्यूजिकल ग्रुप हो, ता हम चाहता नहीं कि तू हमरे ग्रुप में आ जा। हम अपने कलाकारन के ना आगे बढ़े का बहुत मौका देला। हमरे यहाँ के कलाकार सब तोरा दौलत पाकर बहुत आगे बढ़ गए बाड़न। तो हम तोरा के बिना स्टेज शो करा के बहुत आगे बढ़ाई। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमके स्टेज प्रोग्राम करे में दिलचस्पी नहीं थी। तो कोनो बात नहीं, जब कभी दिलचस्पी बन जाए तो हमारे ऑफिस में एक बार आ जाए, ठीक है ना? खुश रह। जय छठी मैया। अच्छा एक बात बताओ, ये लड़की क्या है? लक्ष्मी। अच्छा इस लोग ऐसी खाती तैयार हो जाई हैं? ना ना ना। माऊजी टिफिन। हाँ बेटी। बेटी तू गाना तो सचमुच बहुत बढ़िया गाविलू। काल घाटे पे तहार आवाज के बहुत तारीफ होत रहाल। सचमुच तुहार कंठ में सरस्वती माई के वास बा। का करी बेटी, हमरे पास पैसा रहत तो तुहार छठी माई के गीत के एल्बम हम जरूर बनवा देती। सुनिए छपरा वाली चाची, रामदयाल चाचा अपने बेटी के एल्बम बनवाई है। अरे बनारस वाली दुल्हन, न नौ मन गेहूं होई और न राधा गौने जई है, तू देखत रहा। ठीक बा बेटी, संभाल के जई। सुनी जी, राशन खत्म होके वाला बा, हो सके तो आजे भरवा दे। अभी तनखा मिले में दो दिन बाकी बा, और तोहार राशन अभी से खत्म हो गई। ठीक बा, देखा तनी। संभाल के जी हवाऊ जी। हाँ बेटी। चलो। हाँ। आंटी में ना ढेला बा, बबुनी देखे जाइए मेला। लो बन गई एल्बम, देख ला। अरे बिना खाना खेले कहाँ चल देला? अरे दीदी वो बीएड के फॉर्म निकला बना, वह भरे जाता नहीं। दुपहरिया ले आज हम। दोपहर ले लौट आए, तोरा जहाँ जाए के बाद जाओ, पहले खाना खा लो। माँ तू खाना लेके आ। अरे देरी होता, हमरा जाए देना। चुपचाप बैठो, चलो लेट वेट ना होए, बैठो। का माँ जल्दी लेके आओ। और पढ़ाई कैसे चल रहा बा? बस अब फॉर्म भरब जाके ओकरा बाद देखल जाए कि का होता। इला आ, अच्छा तो करेली बनल बा, यही से भाई सब जल्दी में रहे। करेली से तो एकर बचपने से बैर बा। बिना खाना खेले घर से ना निकलल जाला, ना तो दिन भर खाना के दर्शन ना होला। अच्छा दो उसे एक बात बा, दीदी के हाथ लगते करेलो मीठ हो गई। तो माई तो पराठा बनावे लिया रोटी के स्वाद आवेला। अच्छा बेटा तुहार दुल्हन आई ना तो हम हूँ देखा कि हमके कितने छप्पन भोखिया वतिया पानी पी लिया। किसी आगे लो तो के माय की छिड़ा में बहुत मजा आवेला का। अब तो ऐसी बोलनी आ। ला आपन का मन लगा के करो। हेलो हाँ सांझी को आ जाए। हाँ साहब, हम आपसे कुछ कहल चाहत बानी। कहा कि मुहूर्त निकालब तो कह बा। वो मालिक पैसा खत्म हो गेल बा, थोड़ा एडवांस चाहिए। रामदयाल तुहारी हर बार के नाटक बा, ए महीना में तुहार तनख्वाह से ज्यादा एडवांस हो गेल बा, अब कुछ ना मिली। तो मालिक थोड़ा तनख्वाह ही बढ़ा दी, इतना तनख्वाह में घर चलावल मुश्किल हो गेल बा। और हमरा के तुहरा झेलन मुश्किल हो गेल बा, हमारे पापा की वजह से तो है झेल रहल बानी,
ना अबले कबले मुक्ति पागल होती। काम के न काज के दुश्मन अनाज के, जा काम करा जा। हेलो हमारे पापा की वजह से तो है झेल रहल बानी। नाम ले तबले मुक्ति पागल होती। काम के न काज के दुश्मन अनाज के, जा काम करा जा। राशन खत्म होके वाला बा, हो सके तो आज आज भरवा दे। और हमरा के झेलन मुश्किल हो गई। काम के न काज के दुश्मन अनाज के, जा काम करा जा। चाचा गिर गए। चलो चलो उठाओ, चलो 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 उठाओ उठाओ ले चाचा भलिम के। चलो चक्कर आ गए। हेलो, रामदयाल के हार्ट अटैक आ गेल बा, हॉस्पिटल में बाणे, जाके भेंट कर लो लोगिन। माय माय काबिल, चल हमरे साथे। अरे अरे बता तो। डॉक्टर साहब, बाबूजी के का भइल? फालिस के अटैक रहल, बहुत मुश्किल से जान बचल बा, लेकिन पूरी तरह से ठीक भइल, ऊपर वाले के हाथ में बा। सुन समझ सब ली हैं, लेकिन ना खड़ा हो पई हैं ना बोल पई हैं। गिनला ठीक बा, प्रणाम। हाय, एकर हमके कितना मिली देख के बताओ। तनी ये सोना ना रोल गोल्ड बा, खाली पॉलिश चढ़ा रहे, एकर कुछ ना मिली। हे छठी मैया, आप तो हमरा भक्ति से प्रसन्न रहली ना, फिर हमरा बाबूजी के साथ ऐसे काहे भइल? लक्ष्मी, विधि के विधान कभो ना बदलेला। हर प्राणी के आपन सुख दुख भोग ही के पड़ेला। श्री राम जी भी भगवान रहले, फिर भी खुद के वनवास से ना बचा पोले। पुत्री, तू दुखी मत होखा, समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाए। इतना सीधा साधा आदमी के भगवानी कैसन रोग दे देले। ई फालिस की बीमारी होले छपरा वाली चाची, बड़ा खराब रोग होला। हमार तो किस्मत ये फूट गेल बहिन, कुछ समझ में नहीं आवत कि अब का हो। जौन होके के रहे तो हो गए जानकी दीदी, रवा चिंता मत करी, बस भगवान पे भरोसा करी और पति के सेवा करी। हाँ अम्मा जी, भगवान सब ठीक कर दिए, भगवान पे भरोसा रखी। अब ठीक है, हमनी के चलल जाओ, बाद में फिर आयल जाई। दीदी अपन ख्याल रखब, अपना ध्यान रखे। हाँ चली, चली। माई चिंता मत करो, माई छठी मैया सब ठीक कर दिए। सबको ये कहता कि सब ठीक हो जाए, बाकी घर के कमाए वाला ही खटिया पे पड़ गए, तो कैसे सब ठीक हो जाए? हम बानी ना माई, हम बाबूजी के जगह पे जाके नौकरी करब, अतान लोग के कोनो दिक्कत ना होई।
दोबारा ऐसे बोल रहा थप्पड़ खाई बा। बाबूजी हमार पढ़ाई छुड़ा के तोरा के ISPCS की तैयारी करा रहा बाड़े। तोरा के आज के बाद से पढ़ाई पे ध्यान देवे के बा, बस और कुछ ना। खाली पढ़ाई करी, काम ना करी, अरे ते घर के खर्चा कैसे चली, बाबूजी के इलाज कैसे हुई? पहले ही हमने की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं के ऊपर से हम घर चले, हम काम कर, तू चिंता मत कर, तू बस अपन पढ़ाई पे ध्यान दे। तू काम कर बू, हम घरे बैठल रही। ए दीदी समाज हमरा के तारा मारत मारत मुआ दी, तारा मार मार के अपन जीवन मुश्किल कर दी। अरे पगला हम काम करब तो आज दिक्कत होई, लोग आज बोली काले भूल जाए, लेकिन तू अपना सपना छोड़ दे तो एक पूरा पीढ़ी पिछड़ जाए और हम अपना जीते जी इना होके दे। इगर में आज से एक ना दोगो बेटा बाड़े। वेरी गुड लक्ष्मी, बुरा वक्त में ना बहुत अच्छा फैसला ले लो तू। ला ये पर साइन कर दा, साइन कर दा। देखा अब हमनी के बीच में एग्रीमेंट हो गई, जवन भी प्रोग्राम हम तोरा के दिलाई उसे जवन भी पैसा तोके मिली उनमें से हमनी का 50-50 मतलब आधा आधा जी। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम को नो आई हम तोरा के बुला ले, आत जा जा। सॉरी ज्यादा स्मार्ट मत बना, तोरा जैसे लेका के हम खुद पहचाने नहीं, पहले जान के लेकी के टक्कर मारे ले और सॉरी बोल के इंप्रेशन मारा तारा। वो हेलो हम तो से ना तू हमसे टकरेलू है, अब जानबूझ के टकरेलू है या गलती से हमके नहीं के पता। हाँ हाँ हा, ठीक है। अरे लक्ष्मी ये हमार बेटा बाड़े काशी शहर में रह के पढ़ाई करे ले। ए बेटा ये लक्ष्मी बाड़ी बहुत अच्छा भक्ति गीत गावेली। अच्छा। और आज से ना अपने ग्रुप खातिर गई है। अच्छा नमस्ते, जा लक्ष्मी जा। हाँ बेटा और बताओ क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया, आए में कहे देरी हो गई।
देखा ये पैसा मिलल है आधा ही तोहार और आधा हमार। देखा 50-50 के बाद भर ला ना। एक काम करे तू बाहर इंतजार करे हम आवत है। प्रोग्राम बहुत बढ़िया भल। हाँ हाँ तबीयत खुश हो गल। चला हम आवत है। सुना से लड़की की आवाज में तो जादू बा। अगर ही भक्ति गीत के अलावा कॉमर्शियल मतलब चालू गीत में नाच गाना शुरू कर दी ना तो स्टेज पे वो आग लागी कि नोट की बारिश भी ठंडा ना कर पाई। सेठ जी लड़की बड़ी संस्कारी पिया ये सब ना करी। अरे बात करा बात कैला में का जाला। अरे नोट में इतना ताकत होला कि कार ही ना संस्कार भी बदल जाला। ठीक हो हम कोशिश करब। हम इंतजार करब बताई हमरा के ठीक बा। जरूर बताई। तनी टाइट बा। अरे भाई दो तीन दिन पहिरबू ना अपने आप ठीक हो जाई। हाँ। अच्छा दीदी शर्ट तो बड़ा बढ़िया बा। हम क्या अच्छा लगल। बिटिया हाँ? अपना खातिर भी ढंग के कपड़ा ले 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 हो तू तोहरा लगे भी तो नहीं खे। कौनो बात ना माँ मुकेश की जब नौकरी लग जाए ना तब हम ले ले। बाबूजी रवा की लेटे लेटे तकलीफ होला ना यही से हम रवा खातिर व्हीलचेयर लेके आए नी अब आराम से घूम आए। ना यार अभी हम अब कौनो फॉर्म ना भरब यार। देखा हमार दीदी बड़ा मेहनत से एक एक रुपया कमा रहल बड़ी ऐसन करा तहा लोग जाके भर दलोग। लेकिन दो चार जगह फार्म अप्लाई करब तबे एक आध जगह होके के चांस रही। मुकेश आजकल कंपटीशन पास करल टेढ़ा खीर बा। देखा तहार बात सही बा रवि लेकिन अब देख हम खाली अपना स्टेट के फॉर्म भरा कहे से कि अब चार जगह के फॉर्म भरे में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा बा। हम अब दीदी पे ढेर खर्चा डालने की चाहत। ठीक बा जैसन तो हर मर्जी। ठीक बा। देखा लक्ष्मी हम ईमान के पक्का आदमी बानी तोरे प्रोग्राम से जौन भी पैसा मिले ना हम ईमानदारी से आधा तोहके दे देला। हमरा और ईमानदारी पे शक नहीं के करत सेठ जी। हम बस अपन समस्या बतावता नहीं। इतना कमाई में हमारे घर के खर्चा नहीं के चल पावत। तो का करी बतावा। हमके थोड़ा एडवांस दे दी। बात हो कि हमार जेब हमारे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस और बैंक अकाउंट सब एकदम खाली बा। अगर हमरे लगे पैसा हो तो हम तो के मना करी बतावा। तो हमके थोड़ा शो ज्यादा करवा दी। ये भक्ति गीत का शो आवेला कितना और जितना भी आवेला हम तो ही के तो दे ला। लेकिन अगर हम लोग एक काम करी ना तो हमनी के कमाई बहुत ज्यादा बढ़ सकेला। वो का हो ना कि हमनी के जहाँ एक जगह जागरण का प्रोग्राम कर ले रही वो सेठ जी तो से कमर्शियल गाना गवावे का जिद करत रहलन हमसे एकर जिक्र भी कर ले रहलन। हाँ वो और कोई हुई जो पैसा खातिर अपन संस्कार बदलत हुई हमरा से ये उम्मीद मत रखी सेठ जी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात हम सेठ जी के कहली कि लक्ष्मी ऐसा लड़की नहीं हो वो सब काम ना करी बिल्कुल ना करी। लेकिन लक्ष्मी बिटिया बेटा ये सब काम तू ना करबू तो केहू और करी काहे कि और लोगन के खातिर स्टेज पर नाचे से बुरा घर पर पड़ल ठंडा चूल्हा का आग होला। हमके थोड़ा वक्त दी सेठ जी हम सोच के बताए। ठीक हो वक्त ला बिल्कुल ला जा 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 सोच ला सोच ला। लक्ष्मी पापा के बात मत मनिया तहार इमेज खराब हो जाएगी। ये गांव में कितना इज्जत बा
हमके मालूम बा। स्टेज पे नाच गाना तो हके शोभा ना दी। पर नाच गाना में का दिक्कत बा? नाच गाना में कोनो प्रॉब्लम ना हा, के कहलस की प्रॉब्लम हा। लेकिन जगह जगह का बात होला लक्ष्मी, ये गांव के लोग तोहके अच्छा ना समझी, और सच कहीं तो हमके भी अच्छा ना लगी। काहे तोहके अच्छा काहे ना लगी? पता ना, बस अच्छा ना लगी। हम पापा के समझा दे, वो तोहके दोबारा ऐसा ऑफर कबो ना दी है, और तोहके एडवांस भी मिल जाए। पापा, तोहके पैसा के आगे और कुछ ना दिखाई पड़े लगा? अरे ऐसा काहे कहता रहा है? लक्ष्मी के स्टेज पे नाचे गावे के ऑफर काहे देला? अरे अरे मैं बुराई का हा, ओके पैसा का जरूरत रहे, और बाकी हमनी की तई रोजी रोटी हो ना। पापा हा? रोजी रोटी खातिर केहू के मजबूरी के फायदा ना उठावल जाला। पूरा जवार लक्ष्मी के भक्ति गायिका के रूप में जानेला। तू उनसे नाच गाना करोई बा तो सब लोग तोहके बुरा भला कही। और हाँ, और गलती से पता चल गई कि तू उनके मजबूरी का फायदा उठौले बाड़ा, तो अब तब बंटा धारे बुझा। यही का खतरा, जौन काम चल रहल बा उहो बंद हो जाई। ऐसा मत कह। और ऊपर से जौन लोग का गाली सुने के मिली सो अलग। और हाँ, हमरा खाती जे रिश्ता आवेला ना उहो बंद हो जाई। दहेज में एगो चवनियो ना मिली, और कोनो अकटेण बकटेण लड़की मिल गई तो दुनिया भर का एहसान जताई उ अलग। अरे बाप रे बाप, बुझाता ना? एकदम बुझा गल बेटा, एकदम बुझा। हम ही सब का करे जात रहली, पूरा 10 लाख के नुकसान। कैंसिल, लक्ष्मी के नाच गाना का प्रोग्राम कैंसिल। कैंसिल? अरे नाना, कैंसिल कैसे? तो लक्ष्मी के जरूरत पूरा कैसे हुई? तो ओकर का हिस्सा बढ़ाई बा? ना 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 ना, ना। हिस्सा विस्सा बिल्कुल ना बढ़ाई। हाँ एक काम करते, ओके कुछ एडवांस दे, और बाद में धीरे 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 काट ले, ठीक है ना? हाँ हाँ पापा, हाँ ठीक बा। ये हमारे लड़का होके हमरे थाली में आगे तू तोहरा पीछे पीछे गोरी हमर पीछे चली हो। आगे आगे तू तोहरा पीछे पीछे गोरी हमर पीछे चली हो। आखिरी दम ले जन्म जन्म ले प्रीत करी चली हो।
हर गली दिल के हो भर गई मिल के हो हमरा मन के कली गम काल खिल के हो बहियों में तोहरे हो के रहब तोहरा गल बगला मेरे राके हम बहियों में तोहरे हो के रहब तोहरा गल बगला मेरे राके हे छठी मैया हमरा कुछ समझ में नहीं आवत हम का करें कौनो रास्ता दिखाई छठी मैया कौनो रास्ता दिखाई हाँ सेठ जी लक्ष्मी बेटी तोरा गैला के बाद ना हम बहुत सोचली हाँ फिर हमरा के समझ में आई कि नाचे गाए वाला आइडिया ना ठीक नहीं हो ता हमें काम करत है कहीं से 10,000 रुपया का इंतजाम करके हम तोरा के एडवांस दे देते और बाद में हिसाब किताब होत रही ठीक है ना बेटा ठीक बा सेठ जी जैसन रवा ठीक समझी ठीक है बेटा ठीक है खुश रह काशी तू हमके बचा ले लो हे छठी मैया इले चाय अरे तो सुतलिंग को दीदी अभी ले तोहरा सपना से हम सबके सपना जुड़ल बा तो हमके नींद कैसे आई पता बा दीदी कभी कभी हमरा लागेला कि हम पिछला जन्म में ना जरूर कौनो पुण्य कैले हो कब तारा नियन दीदी मिलल चल पगला अच्छा सुनो कल राखी बा कहीं जाइए मत 9 बजे राखी बांधे के शुभ मुहूर्त बा हाँ इला चाय पिया We'll be right back.
कसम सच कहिले बहिनी कमी नहीं होई विश्वास में। लक्ष्मी तो अकेले पूरा घरवार संभल ले बिया। अरे जवान लड़की जब घर से बाहर निकले लागल नू तो एगो घर ना दस गो संभाल ले। अरे नहीं भौजी, लक्ष्मी मान के खूब पक्का बिया। अरे देखम नू, अरे नाचे गाय वाली लड़की के का ईमान और का धर्म। अरे तू तो घाट घाट के पानी पीले बाड़ू। अरे चलो जाता नहीं दस गो काम बा। अरे लक्ष्मी तू कहाँ जा रहा हलवाड़ू? ओ बच्चा लोग के कोचिंग में पढ़ावे के बात के लिए बानी। हमके थोड़ी कमाई बढ़ावे की पड़ी। वैसे काल खातिर तोहर बहुत बहुत शुक्रिया। अरे एमे शुक्रिया का बात बा, वैसे हम तो उसे कुछ कहल चाहता नहीं। लक्ष्मी तू हमके बहुत पसंद बाड़ू, हम अपन पूरा जिंदगी तोहरा साथे बितावल चाहता नहीं। तू हाँ बोला तो हम पापा से रिश्ता के बात करें। हमरा पर बहुत जिम्मेदारी बकाशी, बाऊजी के फालिश की बीमारी हो गई बा, बिस्तर से हिल भी नहीं खी सकत, और छोट भाई के करियर बनावे में लागल बानी, पता ना कब सेट हुई। हम घर में कमाए वाला बस अकेला ही बानी, अभी हम कोनो दूसरा रिश्ता में नहीं की बन सकत। लक्ष्मी हमार वादा बा, हम हर हाल में हर प्रॉब्लम में तोहर साथ दे, बस तू एक बार हाँ कर दा। इना हो पाए काशी, हम दो रास्ते में नहीं की बटे के चाहत। शादी के बाद अगर हम तोके तोरा हिस्से के प्यार ना दे पाएनी तो ऐसे बड़ा अन्याय कुछ ना हुई। और हम नहीं की चाहत कि हमारे जीवन साथी हमरा वजह से तकलीफ में रहे, हम बर्दाश्त ना कर पाए। हम चलता नहीं। लक्ष्मी हम तो हर इंतजार करब। ये इंतजार के कौनो सीमा नहीं के काशी, भूल जा हमके। लक्ष्मी हमार वादा बा, हम हर हाल में हर प्रॉब्लम में तोहर साथ दे, बस तू एक बार हाँ कर दा। लक्ष्मी लक्ष्मी बेटा काहे उदास बाड़ो, तोहर तबीयत ठीक नहीं खेका, आज खाना भी ना खेलू। तबीयत ठीक बा माई, बस कुछ खाए के मन नहीं की करत और कोनो बात नहीं खे। ठीक बा, तोहरे बाबूजी के दवाई खत्म हो गई बा, कल ले लिया या। छठी मैया की पूजा के तैयारी भी शुरू करे के बा। ठीक बा माई। हेलो काशी। हाँ पापा, हम शहर जा रहल बानी आगे के पढ़ाई करे, हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया। अरे बता के जाए के चाहत रहला कि ऐसे उठला और चल रहला। अरे पापा हम तो के कब बता के निकलनी है, हम तो हमेशा रास्ता से ही फोन करेनी।
ठीक तू तो शुरू से आज्ञाकारी बाड़े ना। एक काम कर, मन लगाकर पढ़ाई करे और पैसा की चिंता बिल्कुल मत करे। हाँ ठीक बा। चाची मुकेश के एक्सीडेंट हो गए बा, जल्दी चले हॉस्पिटल में बा। लक्ष्मी एकर सर में गहरा चोट लग गई बा, जकरा वजह से कोमा में चल गई। अगर 2-3 दिन के अंदर ऑपरेशन ना भइल तो कुछ भी कहल मुश्किल बा। ऑपरेशन में कितना खर्चा लगे डॉक्टर? 10 लाख तक लग जाए। बेटा का भेल? मुकेश ठीक तो हो जाए ना? सुबह के अर्घ की तैयारी कर माई, छठी मैया सब ठीक कर दिए। चल दिशावासे, उगा हो सूरज देव उगा पूर्व दिशावासे, लेला रखिया हमार हो, जल बीचे खड़ा लेके सुपुली मऊनिया हो, जल बीचे खड़ा लेके सुपुली मऊनिया हो, तोहरे करी ले इंतजार हो। छात देवता तू ही जाने ला जगतिया, ओ, 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 लेके पूर्व दिशा से अपन रखिया, साक्षात देवता तू ही जाने ला जगतिया, बरती के पूरा करा नाथ तू बरतिया, दसो अश्वनाद के तुम्हार के ललैया हो, आजा बदरवा के भार के, उगा हो सूरज देव उगा पूर्व दिशावा से, लेला रघिया हमार हो। केहू के भी दुख दर्द नाथ पहचाने ला, कहीं बराबर हर भगतन के जाने ला, ओ, केहू के भी दुख दर्द नाथ पहचाने ला, एक ही बराबर हर भगतन के जाने ला, तोहरा के साबित देवा सब के हुमाने ला, हाथावा जुड़ल बाटे सिरावा झुकल बाटे, अर्जी के कोला ना स्वीकार हो, उगा हो सूरज देव उगा पूर्व दिशा वासे, लेला रघिया हमार हो।
लक्ष्मी बिटिया घरे चला मैया जो चाहिए वो तो हो करी ना। माई तो चलो हम आवता नहीं। हे छठी मैया विधि के विधान में सारा तकलीफ हमरे हिस्से में लिखल बाका। पहले बाबूजी और अब हमार भाई हमरा परिवार के कोनो गलती की सजा दे दे। लक्ष्मी बिटिया विधि के विधान मनुष्य के कर्म फल से ही निर्धारित हो खेला और कर्म जन्मों जन्मांतर तक मनुष्य के पीछा ना छोड़ेला। अच्छा या बुरा जीवन में जे कुछ भी घटित होला वो मनुष्य के कर्म के ही अनुसार होला। जैसे कि अंधेरा के बाद उजाला होखेला वैसे ही दुख के बाद सुख आवेला। ये प्रकृति के नियम हा। छठी मैया हमार भाई आज जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहल बाड़े। उनके बचाली मैया उनके बचाली। रोवा मत लक्ष्मी तू हमके बहुते प्रिय बाड़ो। जान भी हुई अच्छा हुई। जय छुट्टी मैं बस करा। तो हर हिम्मत कैसे भाई ये सब सोचे के हमार बिटिया ये सब काम करे खरते नहीं खे। निकल जाई जासे ना तो अच्छा ना होई। रू हमार बात तो सुनी। चुप करी कौनो बात नहीं खे सुने के। हाँ भला मानुष के जैसे निकल जाई जासे। माई का बात बा के है ये लोग। देखा ना बिटिया ये लोग का अंटसन बोल रहा बा। का चाहे रुआ लोगन के। हम बतावत नहीं हमने की छठ मैया के भक्त है जा बनारस से आयल बानी जा एगो विशेष काम खातिर तो से बहुत उम्मीद बा। हम समझाओ तनी लक्ष्मी तरह के तू हमार बात ध्यान से सुना। देखिए उषा जी हाँ? बच्चा आपके अंदर बनता तो है लेकिन कोख में खराबी होने के चलते हर बार बेकार हो जाता है। अब सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आपके घर आंगन में किलकारियां गूंज सकती हैं और वो तरीका सेरोगेसी का है। सेरोगेसी? सेरोगेसी में अंश आप दोनों का होगा मतलब बच्चा आप दोनों का ही होगा लेकिन ये किसी दूसरी औरत की कोख में बड़ा होगा और जन्म भी वही औरत देगी। ये कैसे संभव हुई डॉक्टर साहब? इसके लिए आपको एक स्वस्थ महिला या लड़की को तैयार करना होगा जो आपके बच्चे को अपनी कोख से जन्म दे सके। उसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट करके आप ऐसा कर सकते हैं। अभी किराए की कोख लेना बहुत आसान हो गया है और ये काफी सक्सेस भी है। ये गांव में हमारे उषा के दूर की रिश्तेदारी बा और पिछला साल छठ माई के आशीर्वाद लेवे खातिर हमनी के आयल रही जा तभी तहरा पर हमनी की नजर पड़ल और फिर तू हम दोनों के बहुत पसंद आयल रहो। लेकिन पूछताछ से पता चलल कि तू सरोगेसी खाती तैयार ना हो सकेलू। और तब से लेके आज तक पिछला एक साल से हमनी का बहुत भटकल बानी जा लेकिन कौनो भी औरत सरोगेट माई बने खातिर तैयार नहीं के हो। लेकिन जाने लू 3 दिन पहले ना एगो विचित्र घटना भेल। हमने के छठ घाट से मैया के हाथ जोड़ के आवत रहनी जा तबही हमने के एगो पूर्ण माई मिलनी। बेटा बेटा भूख लागल बा कुछ खाए के दाना दीदी। हाँ इला माई पैसा ना चाहे बेटा कुछ खाए के चाहे।
हाँ माई इला पुत्र के चाह में भटक रहल बड़ा लोग ना तोरा ही बात कैसे पता पिछला साल छठ घाट पे तोहन लोग दोनों जने जोन लगी के बारे में बात करत रहला लोग ना वे तोहर बच्चा के चाहत पूरा करी है अच्छा माई ये सारा बात तारा कैसे मालूम बा खुश रह लोग हमरा पे ई एहसान कर दी लक्ष्मी बहन हमारा जीवन तो हर रेडी रह काम के तो कोनो कीमत ना हो सकेला लेकिन फिर भी हमरा तरफ से ई 10 लाख के भेंट स्वीकार करा अगर 2-3 दिन के अंदर ऑपरेशन ना भइल तो कुछ भी कहल मुश्किल बा ऑपरेशन में कितना खर्चा लगे डॉक्टर 10 लाख तक लग जाए हम तैयार बानी लक्ष्मी ई का करता रू पगला दिल बड़ू का अरे छठ मैया के नाम पे केहू भी आकर के तोरा के सच झूठ कहानी सुनाई और तू मान लेबू अरे कम से कम अपना आगा पीछा के बारे में तो सोच तू बिन ब्याहे माँ बन जेबू तू के करी तोरा से बिया हमार बिया मुकेश की जिंदगी से बढ़ के नहीं के माई मतलब माई मुकेश हॉस्पिटल में अपन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे बड़े और उनके बचावे खातिर आपके 10 लाख रुपया चाहिए ना तो मर जाए माई ना तो हमारे भाई मर जाए क्या कहता है बेटा माई यही से हमके 10 लाख रुपया चाहे कि चाहे हमके हमरा जिंदगी की परवाह नहीं के माई लेकिन अगर मुकेश के कुछ हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाए माई सब कुछ खत्म हो जाए लक्ष्मी तू सच में लक्ष्मी बाड़ू बेटी बात तो जैसे पिटिया सब क्यों हो के थे अभी खतरा से बाहर बाड़े 2 दिन बाद घर ले जा सकेंगे दीदी ये ऑपरेशन में तो बहुत पैसा खर्चा भइल होई इतना पैसा तालो के पास आइल कहां से तोहरे इलाज के पूरा खर्चा एगो एनजीओ उठाई लेबा तोहार गंभीर स्थिति देख के हम ही लेटर लिखनी और पूरा 10 लाख रुपया लागल बा तोहरे ऑपरेशन में तू अभी आराम कर आपके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप एंड मौके पर कौनो बात ना बा लक्ष्मी तोहरा खातिर झूठ बोले में हमरा के फक्र महसूस होता काहे से कि तोहरा जैसन बहिन सबके नसीब में ना होली अपना भाई के बचावे खातिर तू जोन कदम उठाइले बड़ू ना आज के स्वार्थ भरल दुनिया में एगो मिसाल बा भगवान से हम मनाइब की अगला जन्म में हमरा के लक्ष्मी जैसन बहिन मिले अच्छा डॉक्टर साहब कोनो बात नहीं के चलो एग्रीमेंट के मुताबिक दिवाकर जी ने लक्ष्मी को 10 लाख रुपए दिए हैं बदले में लक्ष्मी
दिवाकर दंपति के बच्चे के लिए अपनी को किराए पे देगी। बच्चा पैदा होने के साथ लक्ष्मी को बिना शर्त दिवाकर दंपति को उनका बच्चा सौंपना होगा। ऐसा इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इस पे साइन कर दीजिए। अरे सुनो था, वो छपरा वाली भौजी, वो लक्ष्मी निया 10 लाख रुपया इकट्ठा कर ले लिया। लागा था ना इनकर घरवा में नोट के पेड़ लागल बा। हाँ हो बनारस वाली दुल्हन, अरे वो तो 10 लाख के ऐसन बतियावा था जैसे 10,000 हो खे। लागा था ना लक्ष्मी निया कोनो बहुत बड़ा हाथ मर ले बिया। हाँ उहे तो सोची कि आखिर इतना रुपया उनके घरे आयल कहाँ से। छोड़ी जाए दी, हमने के का जी जैसन बोई वैसने काटी। ठीक ना? ठीक है, चलो जायदा हम। हाँ, चलते हैं। ठीक है। अरे ओकनी के पैसा से हमरा का काम भाओ। सेरोगेसी सक्सेस हुई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर। लक्ष्मी अब तू शहर में शिफ्ट कर जा और हम तार सारा इंतजाम हो जा करा देते। नहीं इस सही कहा तरन लक्ष्मी, ढेर मत सोचा, कहे कि जब कुछ दिन में पेट दिखे लागी ना, समाज के सवाल के जवाब दिहल बहुत कठिन हो जाई। हम बाबूजी की छोड़ के ना जा पाए दीदी, बाबूजी की देखभाल के करी मुकेश अपन पढ़ाई के तैयारी करी कि बाबूजी की देखभाल करी, और माई के ब्लड प्रेशर तो बाबूजी की 20 किस्म की दवाई देख के ही बढ़ जाला, हम ना जा पाए। हम तोहर जज्बात के कदर करत नहीं, लेकिन कभी कभी दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेवे के पड़ेला। और समाज के कहा, समाज में 10 तरह से बात उठेला, और जब समाज कुछ बोलेला ना तब पूरा ही दिल दिमाग के ना झकझोर के रख देवेला। लक्ष्मी शहर जाई दिवाकर बाबू, रवाई कर व्यवस्था करी। ठीक बा, जब पेट दिखे लागी तो 3-4 महीना में हम आ जाए, तब तक बाबूजी के देखभाल करे खातिर कोनो आदमी के भी इंतजाम कर ले। तू आदमी की चिंता मत करा, बस सही समय पर तू हमरा एक खबर कर दी है, हम इंतजाम कर दी। लक्ष्मी तुझसे हमारे को विनती बा, बस इतना ध्यान रखिया कि ये बात गलती से भी केहू के पता ना चले, है कि समाज में हमारी इज्जत तब्बे हुई जब लोग के ई पता रही कि हमार बच्चा हमरा कोख से पैदा भइल बा। चिंता मत करी दीदी, हम अपना जीती जी केहू के ना पता चले थे, ई लक्ष्मी के वचन बा। जानकी जी, हमरा नजर में एगो बहुत बढ़िया लड़का बा, हमार मानी त रउआ लक्ष्मी के शादी लड़का से कर दी। ऐसन बढ़िया घर परिवार रउआ लोग के दोबारा ना मिली, ई बात समझ ली। अरे कदे माई, देख दीदी की शादी आज न तकाल करही के बा, और ये अगर बढ़िया लड़का मिल जाए तो दीदी की जिंदगी संवर जाए। पाहुन, अभी घर के हालात ठीक नहीं थे और घर के सारा खर्चा लक्ष्मी चला रहल भी है, इसे अगला साल सोचब। ये तू का बोलता रे माई, तू इतना स्वार्थी हो गई बड़े, खाली अपना बारे में सोचता रही, दीदी के बारे में ना। अरे तू का चाहता रे कि दीदी यही से पैदा भल बड़ी की जिंदगी भर हमनी की सेवा करस। मुकेश बच्चा की जरूरत कब का होला और का ना होला ये माँ से बेहतर के होना समझ सकेला, और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी माँ से बदतमीजी करेगे। फूफा, जब तक ये पगला
अपना पैरों पर खड़ा ना हो जाए, कुछ बन ना जाए और ये घर और माई बाबूजी के संभाले वाले भाभी ना आ जाए तब तक हम बिया ना करब। चाहे हम कुवारी रह जाए चली, लेकिन हम बिया ना करब। बहुत खुश बानी का भाई, कहा लॉटरी ला गई का? हाँ दीदी लॉटरी है समझ ला, हमारे एग्जाम क्लियर हो गए, हमार नौकरी लाग गई। सचो? हे छठी मैया तोहर महिमा अपरंपार बा। सब पता बा दीदी, दीदी आज हम जौन भी बानी ना खाली तहरे त्याग और तपस्या के वजह से बानी, और इस सपना के पूरा श्रेय खाली तहरे जाता। ओ बनारस वाली चाची, इली मिठाई। ये कौन है खुशी में लक्ष्मी? मुकेश की नौकरी लग गए, छठी मैया हमारी विनती सुन लेनी। अरे फिर तो बहुत खुशी के बात है, हम जरूर खाए मिठाई। अरे चाची रवली, हमार भाई की नौकरी लग गई। अरे तो बहुत खुशी की बात बा। चला लक्ष्मी हम चला ताने। धराई बढ़िया से। अरे छपरा वाली भौजी एली मिठाई। ये कौन खुशी में बटा करू हो? मुकेश की नौकरी लग गई। साचो का? ये तो बहुत खुशी की बात बा। हम कम से कम नू 5 गोले। अरे रे रे, पूरा गांव की बाटी के बा। कौनो बात ना, एगो अपने बबुआ खातिर ले लेता नहीं। हां ठीक बा, ई ले बबुआ खाई। ठीक बा हम चले तानी। ठीक बा जा। हाँ। ए बबुओ खाते ले लेनी। हाँ रुकी देखे आव तानी। चाचा एली मिठाई। कौन है खुशी में? हमारा भाई के नौकरी लाग गए। बहुत बढ़िया। हाँ। हेलो जानकी जी। प्रणाम पाहुन। प्रणाम प्रणाम। का हाल चल बा? बढ़िया बा। जी जी ऐसन बा कि मुकेश के लिए को बहुत अच्छा रिश्ता आयल हो नजर में। लड़की के बाप जो बानू वो एक ठो बहुत बड़का अधिकारी बा। अगर रउआ लोग कहीं तो हम लेके आ जाई। हाँ आ जाती तो अच्छा रहत, आखिर लक्ष्मी भी तो यही चाहती है। अच्छा पाहुन, वो लोग के लक्ष्मी के बाबूजी के बारे में बतैली है ना? अरे ओकर चिंता जानकी जी रउआ मत करी। अरे वो लोग के रउआ के सरकारी अधिकारी बेटा से रिश्ता जोड़े के बा, बाकी कोनो दिक्कत नहीं खे। ठीक बा। जी जी तो हम एक दो दिन में लेके आ जाता नहीं उन लोग के। हाँ बहुत अच्छा। ठीक बा प्रणाम। ठीक बा प्रणाम। किकर फोन रहे? तोरे फूफा जी के फोन रहे, लड़की वाला तुहे देखे आवल चाहता। अरे माई देख, अब हमारा नौकरी भी लाग गिल बा, काहे ने दीदी के शादी पहले करा दिया है। अच्छा तो भाई साहब की नौकरी लाग गिल बा तो बहन के भगावे के चाहता रे? ये भाई बहन के प्यार है, कान खोल के सुन ल, जब तक तुहार बियाह ना हो तब तक हम बियाह ना करब। अरे लेकिन लोग का कही कि बड़ बहिन के घर में होते हम शादी करल बनी। मुकेश पहले तो ये घर में लक्ष्मी लेके आवा, और जब वो लक्ष्मी माई बाबूजी के ख्याल रखे लगी तब भी लक्ष्मी यहाँ से जई है। और रही बात लोग के, तो लोगन की चिंता ना हम पहले के लिए रही ना आगे करब। इसे माई इनका से जीतल एकदम असंभव बा। तो जब जाना तारा तो काहे जीत करो तारा। आगे की तैयारी करो, का पता बात बन जाओ। लड़की बहुत सुंदर बिया और पढ़ल लिखल भी बिया। ए मुकेश बेटा तू एगो काम करा, फोटो देख ला, अगर तोहरा लड़की पसंद आवे ना तो बाद में जाके मिलियो लिया। ए लाई फोटो लाई ता। सुनी सुनी देखी, अब हमरा के फोटो दिखावे की जरूरत नहीं खे, रवा सभी फोटो दीदी के दिखा दी कैसे की लेकिन दीदी की पसंद आ जाई तो हमरो कोनो इतराज नहीं खे। इला दिखा दा।
देखा। बाबूजी अच्छा ना हम के रिश्ता मंजूर बा। अरे तो लगले हाथ लेन देन के भी बात हो जाए। फुफा जी रवा के तो मालूम बाना कि दहेज लिया अपराध हुई। सुनी जी हमारी बिटिया ऐसे टूटल फाटल घर में कैसे रह सकेली। धीरज रखा लक्ष्मी जी हम आपके विचार से बड़ा प्रसन्न बानी। हमके यकीन हो गए कि आपके जैसन संस्कारी परिवार में हमार बेटी बड़ा खुश रही। लेकिन एगो हमार प्रार्थना बा आपन बेटी के खातिर एगो घर बनवा के देहल चाहता नहीं। ई हमार बड़ा पुरान श्रद्धा बा। प्लीज ना ना करें। जब ले शादी होई तब ले घर बन के तैयार हो जाई और शादी के साथ साथ गृह प्रवेश भी हो जाई। जी ठीक बा। चली तब तक मंजूर हो गई लड़ुआ के बात। अरे ना ना वाकई में बहुत खूबसूरत बाड़ू। मोना तहरा से एगो बात कहे के रहे। हाँ कही ना। देखा हमरा खाती हमार दीदी जन बाड़ी वो देवी है और आज हम अपना जिंदगी में जौन कुछ भी बानी ना खाली उनकी वजह से बानी। और हमरा ये बात के पूरा उम्मीद बाकी जितना मान सम्मान हम अपना दीदी के देनी उतने मान सम्मान तो हो उनका के देबो। जी हेलो प्रणाम माँ। खुश रहा बेटा। तहरा पता बा ये मुकेश तो हमार कोनो बातें नहीं कर सुनत। इनका पता सिर्फ उनकर दीदी के ही अधिकार बा। उनकरे हमें हमिलावत रहले जब देखा तब हम ही बात के नोट केले रहनी बेटी। दामाद जी पर सिर्फ तोहरे बस होके के चाही ना तो तोहार कोनो महत्व ना रही। तू चिंता मत करा माँ तू देख ली है एक दिन ऐसा भी आई जब मुकेश सिर्फ हमार हमें हाँ मिली है अपन दीदी के ना और ये हम बहुत जल्दी करके रहा ये तू देख ली है। अच्छा माई हम तोरे से बाद में बात करता नहीं ठीक बा। ठीक बा। अरे लक्ष्मी हेलो। हेलो हाँ लक्ष्मी कैसन बड़ू। जी सब ठीक बा। हम ही बताए खातिर फोन कही नहीं कि मुकेश की नौकरी भी लग गई और मुकेश की बिया भी हो गई। अरे वाह ये तो बहुत खुशी का समाचार बा। जी और हमने के नया घर में भी शिफ्ट हो गई बानी जा। अरे वाह ये तो बहुत उत्तम समाचार सुनेलू तू हमरा के। अच्छा देखा लक्ष्मी तारा कोई चीज की जरूरत पड़ी ना तो तू बेहिचक फोन कर दिया हमरा के। जी और हम सारा चीज वही इंतजाम करा दे। जी दीदी से बात कर। हाँ, अभी हम बात कराते नहीं उसा से। हाँ, हाँ, से बात कर। हाँ बहिन कैसन बाड़ू। बस ठीक बा। अब सुना हमार बात ध्यान से अब तो के अपन ढेर ध्यान रखे के बा। खाए पिए में कोनो तरह के कोताही ना होए के चाहिए समझ लो। काहे कि जब तू स्वस्थ रहू
तबे ही बच्चा भी स्वस्थ रही ना। जी रोआ चिंता मत करें, हम अपन फर्ज पूरा दिल से निभावे नी। ठीक बाबाई, खुश रहा। जी प्रणाम। चले गए। रवा के का लगा था, हमने के जोन करता नहीं जा, उस सही रही ना? बिल्कुल उसा। अब 9 महीना बाद हमने के अपन घर आवल जाई और साथ में हमने के अपन बच्चा होई। जी। और माता रानी का आशीर्वाद रहल ना तो कोई के तनिक भी पता ना चली कि हमने के बच्चा ना है। जय छठ मैया। दोनों लोग कोमा में हैं, होश में आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। बस बस रोके भैया। माई तू पैसा दो, हम भाभी के फोन करो। हाँ चला। मेरे हाथों में नौनौ चूड़िया है, जरा ठहरो सजन मजबूरिया। हाँ दीदी। हेलो मोना भाभी, हमने की आए में थोड़ा देर हो जाए। रवा बाऊजी के दोपहर वाला दवाई खिला दी, एक व्हाइट वाला टैबलेट और एक रेड वाला टैबलेट। हाँ हाँ कहा है ना, ठीक बात दीदी। टैबलेट खिला दिया, माय फुट। टैबलेट खियावे से पहले हमारी वीडियो अपलोड के लिए जरूरी बा। बहुत ज्यादा समय लग बाऊजी। अरे बाऊजी लगा तो बाऊजी दवाने के जल्दी लेके आओ, हम लेके आओ थे। माई बाऊजी पानी पिलावा। बाऊजी की दवाई ना खिलाओ लो। सॉरी दीदी, हम तो एकदम में भुला गई रानी। भुला गई लो का मतलब? तो के पता बना बाऊजी के टाइम पे दवा ना मिले तो का हो सकेला, इनकी जान भी जा सकेला। तो इतना लापरवाह हो कब, हम क्यों ना मालूम रहे? ओ दीदी ला। माई बाबूजी गिर गए लन, क्या हुआ? माई दीदी अरे जल्दी आवा, बाबूजी गिर गए लन। दीदी माई जल्दी आई, बाबूजी अरे बाबूजी अरे बाबूजी कैसे गिर गए लिए? माई उठा उठा लक्ष्मी, आराम से आ लेटाओ जी। खाली खड़ा होके चिल्लाओ था नहीं, बाबूजी को उठा ना सकत रहलो का, फॉर्मेलिटी निभाओ था नहीं ना। हम ऐजा अपाइज लोगन के सेवा करे खातिर नहीं की आयल बानी। और हाँ ये घर में नौकर नहीं की, जेकर बाप उहे संभाले। मोना ना मुकेश। भाभी नादान बाड़ी, इनके प्यार से समझाए के पड़ी। देखो भाभी हमने की बहुत गरीब रहनी, बचपन से लेके आज तक हमने की बहुत मेहनत कही नहीं जा। इतना कष्ट भेला के बाद भी आज अगर हमने के परिवार बेहतर हालत में बा, एकर बस एक ही वजह बा, हमने के अटूट प्यार और विश्वास
हम तोरा से भी यही उम्मीद करी नी भाभी। सॉरी दीदी, हमरा के माफ कर दी। ये गलती दोबारा फिर कबो ना होई, हम प्रॉमिस करता नी। बहुत अच्छा पकड़ बनौले बाड़ू लक्ष्मी, तहरा वजह से मुकेश आज हमरा पे हाथ उठावले। याद रखब, ये बात हम कबो ना भुलाइब। हमके तो बस एगो मौका के इंतजार बा, फिर हम तहके बताइब कि हम का चीज है। बतावा, जब पड़ोस में रहत रहनी तब 10 बार आवाजाही करत रहनी, अब एक बार मिले खातिर 10 बार सोचे के पड़ेला। का कहे बनारस वाले चाची, आजकल तो ये सब जीवन में लागे ले रहेला। तनी दुल्हनिया के बुलाई ना माजी, मुँह दिखाई हो जाए। हाँ हाँ, कहे ना। दुल्हन, ए दुल्हन, बहरे आवा। हाँ माजी। देखा तोसे मिले के आइल बा, ये बनारस वाली भौजी है, उदेवरिया वाली चाची। प्रणाम। जाए तो न माई, आजकल ये सब के मानेला। अच्छा, पैर तो छुआ? हाँ। लक्ष्मी, तू चाय बना के ले आवा। हाँ। कैसन लागल? हाँ, देख ले। बहुत सुंदर। अब हो गई ना, मुझे दिखाई। दीदी, का भल दीदी? का भाई? रहो, तबीयत तो ठीक बा ना? हाँ, सब ठीक बा। चल। कुछ भी। एगो बात बोले के बा। हाँ? बोला। वो शायद लक्ष्मी दीदी पेट से बाड़ी। थैंक गॉड, ये तो सपना रहे। का हो गई? ना ना, कुछ ना। रुआ फ्रेश होली, खाना लग गई बा। ठीक बा। माई, हमरा लगा था कि मोना भाभी के हम पे शक हो गई बा कि हम पेट से है। बेटी, तू एक काम करा, तू शहर चल जा, कुछ दिन में तो हर पेट भी दिखे लगी और लोग के शक यकीन में बदल जाए। तू एक काम करा, तू दिवाकर के फोन लगावा। हाँ। स्विच ऑफ आवता। अब का होई, हमके तो चिंता हो रहा बा। माई, उनके एग्रीमेंट है, शायद उन्हें उनकर पता होई या दूसर का उन्हों नंबर। माई, पेपर तो गायब बा, ओ मैं उनकर पता रहे। हे भगवान, अब का होई? अब तो जोन छठी मैया चाहिए, वो होई।
बेटा तू एक काम करा, तू यहाँ से चल जा। हम तेरे पापा जी के फोन लगावा थे। एका कहा था रुमाई, कुआ से निकल के तू हमके खाई में कूदे के कहा था। हम कहीं भी जाए पेट तो दिखबे करी ना, और सवाल तो उठबे ही करी। अब जोन होए माए सब देखल जाए। छठी मैया बेड़ा पार लगाई है। दीदी का का भाई? कुछ ना। अरे बाप रे, इनके तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला हाल बा। जरूर कुछ गड़बड़ बा, दाल में काला साफ साफ दिखाई देता। माई? हाँ, आराम से आओ। और लक्ष्मी का बिल बेटा? कुछ ना माँ, थोड़ा सा चक्कर आ गए। हम डॉक्टर के बुलाओ बताने। ना माँ, डॉक्टर के मत बुलाओ। हमके तो इनकर चाल चलन पे बहुत पहले से ही शक रहा। आज सबूत के साथ है, सबके सामने लावे के पड़ी। हाय पगड़ा, तारा नियन एम्प्लॉय की वजह से ही हमनी के डिपार्टमेंट बर्बाद हो रहा बा। अपन काम ईमानदारी से नहीं खा सकत, काहे नौकरी ज्वाइन के लिए बड़ा, छोड़ दो नौकरी के, चल निकले यहां से। हेलो हेलो, लक्ष्मी दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई बा। तू एक काम करा, जल्दी डॉक्टर के लेके घर आ जा, कहीं दीदी के कुछ हो ना जाए। हाँ बस अभी हम आते बनी। हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा। कहाँ हो गए दीदी? डॉक्टर साहब देखिए अनिता की कहाँ हो गई बा। मुकेश हम ठीक बानी, बस मामूली से चक्कर रहे। डॉक्टर साहब की कोनो जरूरत नहीं थे। हाँ डॉक्टर की कोनो जरूरत नहीं थे, बाकी तोहरा की क्या गलत है डॉक्टर के बुलावे के? हम बुलौनी माई, अब दीदी के तकलीफ हमरे से तनिको ना देखल गई। मुकेश डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आप जाए। अरे नाना दीदी, बीमारी के कबो छोट ना समझल जाला, कबो कबो छोट बीमारी बड़ हो जाला। हम कहनी ना हम ठीक बानी। देखा दीदी ऐसा मत कहा, मोना ठीक कहा तारी। हाँ। छोट मोट लापरवाही से भी ज्यादा नुकसान हो सकता। डॉक्टर साहब देखी ना दीदी के। पर मुकेश हम ठीक बात देखी ना। मुकेश डॉक्टर? लक्ष्मी पेट से है। डॉक्टर तू क्या बोला तेरे, तोरा मालूम बा? हाँ मुकेश, हम जो कह रहे हैं वो सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता है। दीदी दीदी तू बोल दे कुछ झूठ बा, बोल दे दीदी कुछ कुछ बोलत काहे नहीं गई? देख
तो हमरा के बताओ, हम तो शादी करवाई बोले कैसे? मैं कुछ कुछ बोलत काहे नहीं गई? मैं तू ऐसन गंदा लड़की के देवी बतावत रहला। पता ना हमर माई बाबूजी कैसन नीच खानदान में हमर शादी करा देलन। हमर तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और तू ऐसन नीच लड़की खातिर हमरा पे हाथ उठावे जात रहला। पता ना कहां से मुंह काला करवा के आईल होई। अरे चुप हो जा मना। हमार दिमाग ऐसे ही पगलाई बा। लगता कि कोनो पूरा सपना देख रहल बानी। सपना ना, हकीकत बा हकीकत। आज तो ये बात घर में बा, कल पूरा गांव जवार के पता चली, तब का होई? आ सुना, कहो। अरे पूनम, काल लक्ष्मी के घरे आयल रहलू और हमरे घरे नहीं खेलू। अरे लड़का के स्कूल से ले आवे के रहे ना, ऐसे ना पाऊनी। अब तो आ गई नी ना, अब खाली बतियाबे करबू कि चाहे पानी देबू। अरे मोना दुल्हन। हाँ जी चाची। यहाँ आवा। कैसन बाड़ू भाऊजी? ठीक बाड़ी। अरे काल डॉक्टर साहब आयल रहे ना, लक्ष्मी बिटिया की तबीयत खराब बका। अरे ना ना भाऊजी, उनकर तबीयत ना, उनकर चरित्र खराब बा। बापरे बापरे, हम कितने लगा था पेट से बड़ी। पता ना केकर पाप हुए। आजकल लोगन के पहचानल मुश्किल बा छपरा वाली भौजी। अच्छाई के मुखौटा के पीछे न जाने कितना कुकर्म छिपल बा। अरे घोर कलियुग आगल बा बनास वाली दुल्हन। अरे पाप तो मुड़ी पे चढ़ के नाचता। अरे अयासी के चक्कर में ये लोग कुछ भी कर सकेले। छोड़ा। तहार संस्कारी लक्ष्मी महाकुक संस्कारी निकलल। क्या बात करता रहा? सही कहता नहीं, पेट से बिया पेट से। का? पेट से बिया? हाँ, जब हम गांव में घूमत रहनी तब हमरा के पता चलल कि ओकरे पेट में बच्चा बा। पूरा गांव वाला ताना मार रहल बाड़े और तू कहत रहला कि संस्कारी बाई ना नाची ऊ ना नाची है। यह संस्कारी लड़की रहे? बात करता नहीं। डॉक्टर साहब सब ठीक तो बाना? जी बिल्कुल, बच्चा सही है और उसका ग्रोथ भी अच्छा है। थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, खान पान का, रहन सहन का, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, ये सब पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और मैं इसके लिए थोड़ी सी कुछ दवाइयाँ विटामिन्स लिख देता हूँ, उसको सही समय पर खिलाते रहिए। चलो जी। प्रणाम।
चले बेटा कुछ खा पी ला, स्कूल के टाइम हो गई, चले। छी 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 छी, ई सवेरे सवेरे कौन कुलक्षिणी के मुंह दिखा देले भगवान, पता ना आज हमार पूरा दिन कैसे कटे, बरनी मारो कहां से आ जाले। ए बनी चल यहां से, पापी लोगन के सामने ना रहे के, चल भीतरी चल, ना जाने कहां कहां से आ जाले, हट चल रे। पूरा दुनिया मुंह पे थूक रहा बा, लेकिन भाई के तो कोनो फर्क नहीं के पड़त, भाई बहन के ऐसन प्यार के मिसाल तो पूरा दुनिया में ना मिली। उ नीच पेट में पाप लेके ऐसन घूम रहा बाड़ी कि जैसे कोनो मेडल मिलल बा। ओकरा जगह पे केहू दोसर रहित तो अब तक ले जहर खा के मर गइल रहित, लेकिन वो बेशरम कहीं के। छी 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 छी, का भेल बेटा? होई का एगो नाचे गाए वाली अपन मुंह काला करवावे और नाक कटे पूरा खानदान के, ई नीच के वजह से ई घर के सुख चैन सब खत्म हो गइल बा। हाँ बाबूजी प्रणाम। खुश रहा बेटा मुकेश, का हाल बा? एकदम बढ़िया बा बाबूजी जता। रउआ बताई आप और माई कैसे बनी जा? हमनी ठीक बानी जा। बेटा मुकेश कुछ कहल चाहत बानी, ध्यान से सुनी हा? हाँ हाँ बोली ना। बेटा इज्जत बनावे में जिंदगी गुजर जाला और बिगाड़े में 2 मिनट भी ना लगेला। हमार बात पे गौर कर, आपन घर पर ध्यान दो। प्रणाम बाबूजी। खुश रहा बेटा। अब हमरा से बर्दाश्त नहीं के होत, तू अपना आपके काहे सजा दे रहल बाड़ू? हम तो कब सपना में भी ना सोच ले रहनी कि तोहरा त्याग के इसीला मिली तोहरा के। हम चाहता नहीं सबके सब कुछ बतावे। माई हम अपना आपके सजा नहीं खे देते, हम बस उषा दीदी के दिहल वचन निभावता नहीं, और हमरा कोख में उनकर बच्चा पल रहल बा, ये बात केहू के पता ना चले के चाहे। अरे जब वचन लेवे वाला गायब बा तो केकरा खातिर वचन निभा रहल बाड़ू? आज गायब बा ना माई, लेकिन काले आ जाए तो का जवाब दे कि गायब रहला ए वजह से हम वचन भंग कर देनी। और ई मत भूलो माई कि आज आज मुकेश जिंदा बाड़ा तो बस वो लोग की वजह से। माई कबीर, माई पेट में दर्द होता। अरे लगता लेका होके के समय आ गई। माय धीरज रखा, हम मुकेश के बुला के लेके आवत हैं। माय तू धीरज रखा। माय मुकेश, मुकेश बेटा लक्ष्मी दर्द से तड़पतिया, लगता बच्चा होके वाला बा, चल अस्पताल लेके चल। रुका हम भी पेट से बानी, अगर तू नीच के शक्ल देखबा तो हमार और हमार बच्चा के कबो शक्ल ना देख सकबा। ए दुलेन ऐसा जुलम मत करा बेटा, हमार बिटिया मर जाए बेटा चाहे ता। हमार बला से काल मारे के बा आज ही मर जाए, कम से कम बदनामी से तो पीछा छूटी। मुकेश चल ना बाबू। माई जल्दी आ बेटा, तेरे
ही हमार मदद करता। अब हमार बिटिया बहुत तकलीफ। अरे हमके तो पहले से ही लेट होता। जाई रवा के और के देख ली। माई हमार जान निकल जाए माई। भैया भैया तनी हमार मदद करता। अरे चाची सुना था। अरे तनी सब मदद करता। लक्ष्मी हैला कान में बांधला। कहे कि ऐ समय कान में हवा ना लगे की चाहिए। हम राव रहसान जिंदगी भर ना भुला पाए। ऐसे हालत में लक्ष्मी कहाँ जाए? कहाँ जाए? काहे? ओकरे लगे जाए? जेकर पाप तू लोग ढो रहल बाड़ा? मोना ठीक कहा तारी। इस शरीफ लोगन के गांव घर बा, ऐसन लोगन से पता ना का असर पड़ी। ए, चुप करी रहुआ। जानकी बहन, ढोर द बिटिया के मोह, नहीं ता छटा जबू समाज से। सही बात बा, सही बात बा, सही बात बा। मुकेश बर्दाश्त करे के भी हद होला माई। ये कलंकनी के वजह से आज हमनी के इज्जत माटी में मिल गई बा। जमना के दो पैसा के औकात नहीं खे उ सब आके हमनी पे हंस के जा रहल बा। चुपचाप बोल दी कि ऐजा से निकल जाए ना तो हम एकरा के धक्का मार के बाहर निकाल देब।
लक्ष्मी बेटा, तो अकेले ना जीबो, हम तुम्हारे साथ चलब। हाँ हाँ, तू हो जा, ये घर में तार कौनो काम नहीं के, जा। अरे रुका, इनकरा के भी ले जा। दिन रात गोर छोया और खूब आशीर्वाद लिया, ये पहिस के सेवा हमरा से ना होई, लेके जा। ये पूरा जमीन जायदाद हमार भाई और ये घर के मालकिन सिर्फ हम बानी। रुक जा, देखा आ गई कुलक्षणी, लगा था अभी मोहल्ला छोड़ के जाए के पड़ी। ठीक कहा था रुदलाइन, अलोक साची कहला कि एक मछरी पूरा तालाब के गंदा कई देले और तालाब के साफ रखे खातिर मछली के निकाल के फेंक दिया जाला। खुद तालाब अपन जगह चेंज ना करेला। अरे जाए तो भौजी, एकरा में लाज शर्म होई ना तो खुद ही जैसे चल जाए। ठीक कहा तारू, चला चला। नैना के संग आसो हमरो सब सपना बह गईल, सब अरमान के महल अटारी अचके में ढह गईल। हो नैना के संग आसो हमरो सब सपना बह गईल, सब अरमान के महल अटारी अचके में ढह गईल। लागी जिंदगी कवन किनारा अब न बाटे कौनो सहारा, लागी जिंदगी कवन किनारा अब न बाटे कौनो सहारा। कदम कदम पर ठोकर लागे, कदम कदम पर ठोकर लागे, कौनो ठोर न पावे समय आरे गजबे रंग दिखावे समैया रे गजबे रंग दिखावे। तू लोग के 10 बार कह चुकल है कि हमरा से कौनो मदद का उम्मीद मत रखे, फिर भी चली आवली। छठी मैया, तोरा रहते हमरा खातिर सब दरवाजा कैसे बंद हो सकेला, कौनो रास्ता दिखाई। चाबी गांव के बहरे ना हमारे को घर खाली पड़ल है, वह जाकर रहा लोग। सेठ जी रावरी उपकार जीवन भर ना भूले। ठीक है ठीक है, बाकी हमसे
और कोनो उम्मीद मत रखिए लोग। हाँ तो पता नहीं हमारे दिमाग में का हो गल की हम तोरा के चाबी दे दिली। जानिया से अब जा। तुहार बहु भेजली है। अब कहले बाड़ी कि लक्ष्मी के हमारे घर में कोनो सामान ना होके के चाही। दिवाकर तू कोने जन्म के बदला लेला हमरे बिटिया से, हमरे बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर देला। भगवान करे कि तू बर्बाद हो जा। दिवाकर जी के कहे दोष देता रो माई, जो आपन ही नसीब खराब बा। चिंता मत करो, छठी मैया सब ठीक कर दी है, हमके पूरा भरोसा बा। मैं हम कोनो छोट मोट नौकरी ढूंढ ले ताकि बाबूजी की दवाई के खर्चा और घर के खर्चा हम निकाल सके। तू चिंता मत करो। साहेब हमके नौकरी चाहिए, हमके पैसा की सख्त जरूरत बा। हम कोनो भी काम करे खातिर तैयार बानी, बस हमके नौकरी चाहिए। हमके नौकरी दे दी। एक अकरतानी साहब, फिलहाल तो हमरा लगे ही है वो काम बा। हमके खुश कर दा रकम जान तू कहा। कितना टाइम लगी यार? अरे ये सब काम में थोड़ा बहुत टाइम लगबा करेला। सेठ जी हमके नौकरी चाहिए, पैसा की सख्त जरूरत बा। हम झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर ले। तू तो अच्छा करे के लगत हो, पढ़ा लिखा लो। हाई स्कूल पास बानी सेठ जी। अरे वह लड़की है भैया जन कुंवारे पेट से रहे। चला चला बाद में यहाँ बन काम हम नहीं खे। मगर सेठ जी हमके कह दिले एक बार जा बन काम ना बा। गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम बा, रह रह के बंद हो जाले। अच्छा और हवा पानी सब ठीक बा ना? हाँ एकदम हवा पानी सब ठीक बा। चलो ठीक बा, शाम तक बनवा दिए। हाँ बतावा। पैसा की सख्त जरूरत बा, हमके नौकरी चाहिए, हम कुछ भी काम कर ले। ये काम कर ले बू? जी। अच्छा एक महीना का काम बा ये बिल्डिंग में। हाँ। तो एक महीना कल ही है तो हर जोन भी पगार हुई हम दे दे। ठीक बा, जा कर जा। मत बदला ली हलस जकरा खातिर खुद के लुटवनी उहे ठोकर दी हलस। ओ ना जाने कौना गलती के किस्मत बदला ली हलस जकरा खातिर खुद के खुशियाँ कोयला भइल हो दगिया लगिए गइल हो खुशियाँ कोयला भइल हो कुहु की रह जाए मनवा कुहु की रह जाए मनवा अखियाँ लोर बहावे समैया रे
जी बेरंग दिखावे समैया रे, गज बेरंग दिखावे। हो जाए लक्ष्मी कहीं भी है ना, उकरा के कोनो काम मिल जाए और राव दवाई ले आई हूँ। बाबूजी 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 की दवाई की इंतजाम हो गई माई, एको बढ़िया नौकरी लग गई बा, अब घर के खर्चे में कोनो दिक्कत ना है, अब सब ठीक हो जाए। कुछ ना बाबूजी, छोट मोट चोट लग गई बस। छट्टी मैया तोरे भक्ति के यह सिला हो, जोन हाथ मेहंदी से लाल होके के सपना देख ली हो, उहे हाथ ईट पाथर के चोट से लाल बा का यह दिन देखे घर दिन तो हर जिंदगी भर भक्ति के लस। हे छट्टी मैया तो सच में बाड़ो कि ना कि खाली ईट पाथर की मूर्ति बाड़ो, जो दुनिया तोरा के देवी के दर्जा दे रहल बा। चुप रह माई, एका बोल रहल बाड़ो, छठी मैया के शक्ति पे शंका मत करो, तू तो बस हमने के परीक्षा लेता रही, ये दिन जल्दी बीत जाए। हे छठी मैया हमरा के माफ कई दा, हमर बिटिया के दुख हमरा से देख ना गए, हमरा के माफ करना माई, माफ करना। हमरो उमरिया तोहरा के लागे सा।
लगातार खरीद हो रही है, 2 से लेकर 2500 रुपए तक। हाँ, साल में आवे कबार लेके भाई बहन के प्यार, अमर प्रेम के अमर दिन, हाँ जाने सब संसार। जहाँ रहे बुआ जय हो भैया, राखी के दिन ना सब्री से इंतजार रहता है भाई और बहन को। बाबू हम अभी आवत नी। बच्चों के लिए कुछ खास राखियां हैं, आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो बहनें हैं, क्योंकि 3 दिन का अवकाश होने के चलते कुछ बहनें हैं अपने कह सकते हैं काहे ओकरा बारे में सोच के रहुआ मूड खराब करत बानी। हम के अपन चचेरा भाई के राखी बांधे जाए के बा, रउआ हमारे साथे चली। लक्ष्मी लक्ष्मी, जानकी जी कहाँ बनी? अरे अरे, ऐसे कैसे मुंह उठा के घर में घुसराल बाड़ा, कौनो तमीज बाकी ना के बाड़ा तू? जी माफ करब, हमारा नाम दिवाकर है और हम लक्ष्मी जी जानकी जी के परिचित हैं। परिचित? लक्ष्मी कहाँ बड़ी? ओ कलंकनी से हमने के कोनो रिश्ता नहीं खे। जा जाके देखा के हुआ और के साथे मुँह काला करवावत होई। अरे हम लक्ष्मी जी के बात कर रहल बानी, और वही लक्ष्मी जी जो भक्ति गीत गावेली। ये नया वाला घर उनके है ना?
उनकरे घर बार वो सही घर में आइल बनी। दुर्भाग्य से उल्टा हमरे बहिना, लेकिन उकरा के हमनी के घर से बाहर ही निकाल देले बनी जा। ये का कह रहा बनी रुआ? तू अपन देवी जिसन बहिन के घर से निकाल देला? देवी? अरु कोनो देवी वेवी ना है। जे बिन बिहाई माई बन सकेले उकरा के देवी ना उल्टा कहल जाला उल्टा। पता न कोनो के पाप अपन कोख से जन्म देले बाड़ी। अरे वो हमार बच्चा हमार। लक्ष्मी जोन बच्चा के अपना कोख से जन्म देले बाड़ी ना, वो हमार खून है, हमार पत्नी के। अरे तू लोग का कहला लोग, एक निर्दोष पर इतना बड़ा लांछन, हे भगवान। एक मिनट, मतलब तू का कहल चाहता रहा? हम लक्ष्मी के कोख किराए पे ले ले रही। किराए पे? और जोन बच्चा के जन्म देले बाड़ी ना, वो बच्चा उनकर ना, हमार बच्चा है, हमार खून। तू अब कहीं सरोगेसी की बात तो नहीं करत? हाँ, तू सही समझ रहल बड़ा, सरोगेसी। हम वही सरोगेसी की बात कर रहल बानी। लक्ष्मी, हमार बच्चा के सरोगेट माई बाड़ी। ये तू का बात करता रहा? दीदी सरोगेट माई कहे बन ले? लेकिन तुहर जान बचावे खातिर, काहे कि तहर ऑपरेशन खातिर 10 लाख रुपया की जरूरत रहे, और हम सरोगेसी के बदले उनका का 10 लाख रुपया दे ले रही। और आज जन तू जिंदा बड़ा ना, आज वही पैसा के देना। लेकिन दीदी आखिर हमरा से झूठ काहे बोली? ये काहे कहली कि हमारा ऑपरेशन एगो एनजीओ की मदद से भइल बा? शायद वो हमार पत्नी के दिहल बचन तोड़ना पहली। एक बहिन अपन को किराए पे चढ़ा के अपन भाई के मान सम्मान के ठेस पहुंचाओ ना चाहत रहे, यही से वो एनजीओ से झूठ बोल ली। भगवान हमरा के कब माफ मत करिए, हमरा के नरक में भी जगह मत दिए भगवान। तू पहले ही बताओ कि आगे 1.5 साल तक अपना बच्चा के लिए बेकाती काहे नहीं ले तू? अरे हम कैसे आई थी, हमारा एक्सीडेंट हो गई रे, हम और हमार पत्नी कोमा में रह जा, और आज भी हमार पत्नी कोमा में भी आ, और जब हमरा होश आई तो हमरा बच्चा के याद आई और हम बेतहाशा दौड़ के आई नी। नना एकरा पे भरोसा मत करिया, ये हमनी के साथे धोखा कर रहल बड़े। ये हमरे संग की धोखा नहीं के करत? तू हमरे संग की धोखा के लिए बनू कैसे की? अगर तू हमरे से झूठ ना कहते हमरे पे भरोसा करी तो हम अपने दीदी के बहुत नोट कर दी। लेकिन हमरे मालूम बा हमारी दीदी भी कहाँ हुई? हम अपने दीदी के पास जाइब, जाइब उकरा के ढूंढब, उकरा कोर्ट में पड़ब, हमरे के जरूर माफ कर दी, हमरे के जरूर माफ कर दी दीदी। मुकेश हे भगवान, ये हमरा से इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? माफ कर दी हमके। अरे महाराज का चिंता कर रहा बाड़ा? अरे लक्ष्मी से बढ़िया गायक दे ल तुके हैं का? ठीक है हम बाद में बात करब, बतिया ही ले बात में। अरे बेटा तू लक्ष्मी के बारे में का सुना था नहीं बाबूजी? एकदम सही सुन ले बाड़ा, लक्ष्मी ना गलत रास्ता चुन ले ले भैया। लक्ष्मी और कोनो गलत रास्ता ना बाबूजी, ये बात हम कोनो कीमत पे ना मान सके नहीं।
ना मान सकेला तो जाके अपनी आँखी से देख लेना। हमनी के जोन पुरनका घर हो वही में अपने दुदुहा बच्चा और अपने माँ बाप के साथ रहती है, जाके कुछ देख ला। ए सुना सुना यहाँ नवा, हमरा के एक बात बतावा, तू लक्ष्मी में का है इतना इंटरेस्ट लेत बाड़ा? यही बता शहर से आल बाड़ा का है? अरे बाप रे बाप, हमरा के तो दाल में कुछ काला नजर आवा था। कहीं हम ही तो नाजायज बच्चा के नाजायज दादा तो नहीं की? अरे बाप रे बाप, गईली अरे बाप। एक्सीडेंट हो गिल रहे, हम और हमार वाइफ काफी लंबा टाइम से कोमा में रही है। जब हमरा होसाइल तो फिर हम अपन बच्चा लेवे खातिर तार नया वाला मकान पर गिल रहे। फिर मुकेश से सारी बात हमरा मालूम चला और इनका साथ हम इजा चले नहीं। हमरा के हमार बच्चा दे दे लक्ष्मी, हम अपन बच्चा लेवे खातिर अलमनी। Thank you.
और के अमानत से मोह कैसन देता देता हेलो हाँ हॉस्पिटल से फोन आइल बा उषा के होश आ गइल बा डॉक्टर बतेला खा क्यों बहुत कम समय के मेहमान बड़ी वो अपन बच्चा के एक बार अपन सीने से लगाओ जाता रही बच्चा दे दा लक्ष्मी हम एक बार उषा के देखे के चाहता नहीं आ लक्ष्मी दीदी हमरा के माफ कर दी हमरा से बहुत बड़ा गलती हो गई जोना दीदी के हमके रात दिन आरती उतारी के चाही हम ओकरा साथे इतना बड़ा पाप कर देले हमर सुहाग बचावे खातिर रउआ इतना बड़ा त्याग कईनी और हम हाथ जोड़त नहीं दीदी माफ कर दी माफ कर दी माफ कर दी माई माई हमरा के माफ कर दी माई हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई माई माफ कर दी हमके माफ कर दी बाबूजी माफ कर दी बाबूजी माफ कर दी बाबूजी जल्दी चली लेट होता माई चली चली चला उषा अपन मुन्ना उषा अपन मुन्ना इल बा उषा के नाम उषा ना लक्ष्मी बा अब शेखर माई तू ही बड़ो और एक लालन पालन की जिम्मेदारी अब तहरे बा जिंदगी बहुत लंबा बा हमार बात माना तू केहू के हाथ पकड़ ला लक्ष्मी लक्ष्मी हमके आज भी तुहार इंतजार बा अगर तू हमरा के अपना लायक बुझा तब तो हम पापा से रिश्ता के बात करी हाँ हाँ कर दो लक्ष्मी बिटिया शायद छठी मैया की यह इच्छा होके हाँ हम अपने पापा के फोन करता नहीं हे बेटा फोन लगाए के कोनो जरूरत नहीं के हम सब बात सुन लेनी लक्ष्मी बिटिया सचमुच लक्ष्मी बिया और हमें तोरे ऊपर गर्व कि तू एकरा के अपना लेना लक्ष्मी बिटिया आज तक हम तोरे साथ जौन भी गलत व्यवहार करनी जोन गलत तोहरा के बोली उखरा खातिर हमरा के माफ कह दिया और लक्ष्मी के रूप में हमरे घरे आ जा